हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसने पूरी दुनिया को टाई पहनना सिखाया। ये वही देश है जिसने दुनिया को बताया कि चावल से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। ये घर है निकोला टेस्ला जैसे महान फिजिसिस्ट का, और इस देश की महिलाओं को दोस्तों बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। ये वही देश है जहां गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज की शूटिंग हुई है, और एक ऐसा देश जहां एसी का इस्तेमाल ही नहीं होता है। अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो हम बता दें आपको कि हम बात कर रहे हैं हैकते हुए देश क्रोएशिया की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं क्रोएशिया के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, क्रोएशिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। ये छोटा सा देश मध्य और दक्षिण यूरोप के बीच में एड्रियाटिक सी के पास में 56,594 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के लिहाज से क्रोएशिया दुनिया का 124वां देश है, यानी कि काफी पीछे है। खैर, क्रोएशिया आबादी के मामले में दुनिया की 130वीं कंट्री है, और आज ये घर है करीबन 4.02 मिलियन लोगों का। और इस देश में भीड़ भाड़ बेहद ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या काफी कम है। आपको सड़कों पर भी लोग कम और शांति ही शांति ज्यादा नजर आएगी। इसके अलावा कम आबादी का फायदा ये भी होता है कि देश पूरी तरह से साफ सुथरा है। क्रोएशिया के लोगों को क्रोएटस कहा जाता है, और यहाँ की आबादी में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएशियन, और देश की 95% आबादी क्रोएशियन भाषा में ही बात करती है। क्रोएशिया की दोस्तों कैपिटल सिटी है ज़ग्रेब। सावा नदी पर बसा ये शहर क्रोएशिया का सबसे बड़ा शहर भी है, और क्रोएशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ज़ग्रेब में ही रहती है, और यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 6,84,000 है। यानी कि क्रोएशिया का हर पांचवा व्यक्ति ज़ग्रेब में ही रहता है, और ये शहर करीबन 641 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। अब दोस्तों, जाने माने भौतिक विज्ञानी, इन्वेंटर और इंजीनियर निकोला टेस्ला को आज किसी पहचान की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया में अपना नाम ऑलरेडी कमा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्रोएशिया से ही थे? उनका जन्म क्रोएशिया के एक छोटे से गाँव में हुआ था, और उनके फादर कैथोलिक चर्च में पादरी थे। दोस्तों, जिस तरह अपने इंडिया में हर घर में क्रिकेट लवर देखने को मिलते हैं, और हमारे यहाँ क्रिकेट लोगों के दिलों में बसता है, वैसे ही क्रोएशिया के लोग फुटबॉल के फैन हैं। और देखा जाए तो वो फुटबॉल ही है जिसने क्रोएशिया को दुनिया में अलग ही पहचान दिलाई है। असल में 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया फाइनल तक पहुंच गया था। हाँ, उसे जीत नहीं मिली, मुझे पता है, लेकिन इस मैच में क्रोएशिया को एक अलग ही पहचान मिल चुकी थी। वैसे दोस्तों, क्रोएशिया की महिलाओं को बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। इनकी आंखें, बाल, स्किन टोन इतना कमाल का होता है कि कोई भी इनकी तरफ खींचा चला आए। इवन क्रोएशिया की पूर्व राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटारोविक भी बेहद खूबसूरत थी, और इन्हें दुनिया के हसीन महिला पॉलिटिशियंस में शुमार किया गया था। वैसे अगर आप क्रोएशिया जाएं और आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, तो उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए जरा सावधानी बरतिएगा, खासकर फूल देते समय, क्योंकि क्रोएशिया में इवन नंबर के फूल कब्र पर चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप ऑड नंबर का फूल ही दीजिएगा, क्योंकि इवन नंबर का फूल देने से आपकी बात बिगड़ सकती है। दोस्तों, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा ना, या फिर इसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शूटिंग क्रोएशिया में हुई थी? और सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स ही नहीं, बल्कि स्प्लिट जैसी सीरीज की शूटिंग भी क्रोएशिया में हुई है। दोस्तों, गर्मियां शुरू होते ही लोग अपने अपने घरों में एसी रिपेयर करवा लेते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो खरीदने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन क्रोएशिया एक ऐसा देश है जहां एसी का यूज किया ही नहीं जाता है। यहां टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद भी लोग एसी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे सबसे ज्यादा जुकाम और परेशानी होती है। वैसे भाई लोग, ऑफिस में कोई मीटिंग हो, या फिर अपने गर्लफ्रेंड की फादर को पटाना हो, बात चाहे अच्छे इंटरव्यू की हो, या फिर मस्त शादी में जाने की हो, लड़के सूट के साथ टाई को कभी नहीं भूलते हैं। और भूले भी क्यों भाई, टाई हमारे लुक में चार चांद जो लगा देती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके लुक को प्रोफेशनल और परफेक्ट बनाने वाली इस टाई की शुरुआत क्रोएशिया से ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, क्रोएशिया के लोग बाकी की दुनिया से काफी अलग है, लेकिन हाँ, खान पान के मामले में ये लोग चीन से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नॉनवेज को पसंद किया जाता है, और ये खाना देखने में बहुत अजीब होता है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी इसे लोग खूब खाना पसंद करते हैं और दबा के खाते हैं। खाने की बात हो ही गई है, तो चलिए अब खाने पीने की बात कर ही लेते हैं। क्रोएशिया के लोग वाइन और बियर के काफी ज्यादा शौकीन हैं, और यही रीजन है कि जो ये देश शराब के कंजप्शन के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। सोचो, यहाँ लोग हर खुशी गम चाहे जो भी हो, मौका मिलना चाहिए उसके बाद तो पियो दबा के और मस्त रहो। जी हाँ, बिंदास रहते हैं यहाँ के लोग। क्रोएशिया में घूमने के लिए आपको एक से बढ़कर एक जगह मिल जाएंगी। यहाँ साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। क्रोएशिया में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, और पर्यटन ही इस देश की इनकम का मेन सोर्स है। इसके बाद क्रोएशिया में खेती बड़ी संख्या में होती है। यहाँ की मुख्य फसलों में सूरजमुखी, तंबाकू, मक्का, आलू, चुकंदर और जौ शामिल है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी क्रोएशिया काफी आगे है। यहाँ से सबसे ज्यादा फ्यूल, लकड़ी, आयन, इलेक्ट्रिक मशीनरी और प्लास्टिक एक्सपोर्ट की जाती है। क्रोएशिया दोस्तों यूं ही टूरिस्ट की पहली पसंद नहीं बना है, बल्कि यहाँ की कमाल की जगहों ने इन्हें एक देश से प्यार करने पर मजबूर कर दिया है, जिसका अंदाजा आप यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखकर लगा सकते हैं। क्रोएशिया में कुल 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें एड्रियाटिक का मोती माना जाने वाला डब्रोवनिक का पुराना शहर, प्लिटविस लेक्स नेशनल पार्क, ट्रोगर सिटी जैसी जगहें शामिल हैं।
क्रोएशिया में अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको सबसे पहले डुब्रोवनिक ओल्ड टाउन वॉल्स जाना चाहिए, जो क्रोएशिया का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डुब्रोवनिक को क्रोएशिया का एक पुराना शहर माना जाता है और यहाँ आज भी देश के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो लोगों को खूब अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद आप स्प्लिट का डायोक्लेटियन प्लेस भी देख सकते हैं। स्प्लिट को कैपिटल सिटी ज़ग्रेब के बाद क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। एड्रियाटिक सागर के नजदीक इस शहर में 305 ईस्वी में रोमन सम्राट डायोक्लेटियन ने ये महल बनवाया था। ये शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ व्हीकल्स नॉट अलाउड है। क्रोएशिया दोस्तों प्राकृतिक खूबसूरती से सजा हुआ देश है। यहाँ प्लिटविस लेक्स नेशनल पार्क में जाकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस पार्क में करीबन 16 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, सोचिए। और खास बात यह है कि ये झीलें दिन भर रंग बदलती हैं। वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कहीं जन्नत में आ गए। और ये नजारा देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। और झील में आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। झरने के पास बने लकड़ी के पुलों को देखना, उन पर चलना, आए हाय हाय गजब। इसके अलावा क्रोएशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मीठे पानी की जेलीफिश देखने को मिलती है, और जो आपको प्लिटविस लेक नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगी। क्रोएशिया को उनकी खूबसूरत कोस्टल लाइन के लिए भी दुनिया भर में पहचाना जाता है, जिसकी लंबाई 5,800 किलोमीटर तक बताई जाती है। क्रोएशिया में आप कोनती नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। इसके आसपास का इलाका बेहद ही खूबसूरत है। ये एक समुद्री एरिया है जहां 80 से ज्यादा छोटे बड़े टापू देखने को मिलते हैं। यहां आपको कई कॉटेज नजर आने वाले हैं। कहते हैं कि शुरुआत में मछुआरों और लोकल लोगों द्वारा इन कॉटेज को पत्थरों के शेल्टर के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन बदलते समय के साथ इन्हें कॉटेज में बदल दिया गया। यहां रेस्टोरेंट वगैरह भी मौजूद है, तो आप अपनी ट्रिप का भरपूर मजा उठा सकते हैं यहां पे। भाई, किसी भी देश की कैपिटल सिटी देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है, लेकिन ज़ग्रेब डबल बेहतरीन है क्योंकि यहां चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। सेंट मार्क चर्च की रंगीन टाइल्स वाली छत हो या फिर म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, यहां सब कुछ कमाल का है। द वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी द वॉल ऑफ स्टोन के बारे में सुना है? ये दीवार क्रोएशिया में मौजूद है, जिसे स्टोन की दीवार कहा जाता है। चीन की महान दीवार के बाद द वॉल ऑफ स्टोन ह्यूमन मेड सबसे संरक्षित यानी कि सिक्योर दीवार मानी जाती है। दोस्तों, चॉकलेट तो आप सभी खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल से चॉकलेट बनाने का आविष्कार क्रोएशिया में ही किया गया था? इस चॉकलेटी देश में लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट भी खाते हैं। यहाँ के लोगों को बेहद ही शार्प माना जाता है और इन्हें विदेशी भाषाएं सीखने का ना बहुत ही ज्यादा शौक होता है। पूरे क्रोएशिया में 92% आबादी आपको ऐसी मिल जाएगी जिन्हें एक विदेशी भाषा एक्स्ट्रा बोलनी आती ही आती है, फिर चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो या हो सकता है हिंदी भी हो। इसके अलावा ये लोग इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, जो टूरिस्ट को काफी हेल्प करती है। क्रोएशिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के समय में 78 साल है और यहाँ के लोग बेहद खुश मिजाज हैं। लेकिन दोस्तों, इस खुशहाल देश ने एक समय पर बहुत दुख दर्द झेले हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देश के करीबन 1,25,000 लोग मारे गए थे, और ये आंकड़ा सच में बहुत ज्यादा है। क्रोएशिया की आबादी का कुल 1.48% हिस्सा ऐसा है जो किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता है और अपने रूल अपने मुताबिक बनाने में विश्वास रखते हैं। वैसे क्रोएशिया के लोगों के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है कि ये लोग बहुत ही बातूनी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। साथ ही ये काफी फ्रेंडली और हंसमुख भी होते हैं। अगर आप किसी क्रोएशियन के पास बैठ गए तो समझ लीजिए कि आपका टाइम हंसते हंसते कटने वाला है, और सुबह से रात कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये छोटा सा देश दोस्तों आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला काफी विकसित देश है, जहां की जीडीपी 72.95 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बाद भी देश का करीबन 24% हिस्सा गरीबी में रहता है। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन गरीबी की वजह जॉब न होना या पैसा न होना ऐसा नहीं है, बल्कि देश की महंगाई है जो सातवें आसमान पर है। महंगाई की वजह से यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। शायद इसीलिए क्रोएशिया के लोगों को अपने देश से ज्यादा विदेश पसंद आते हैं, और यही वजह है कि अब तक करीबन 56 लाख लोग क्रोएशिया को छोड़कर दूसरे देश में सेटल भी हो चुके हैं। रिटायरमेंट पाकर अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन अच्छे से गुजारने की चाह रखने वालों के लिए क्रोएशिया बेस्ट कंट्री है। 2011 की फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो क्रोएशिया रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए दुनिया के 12 देशों में सबसे पहले नंबर पे है। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से पहले इस देश की करेंसी कूना हुआ करती थी, जो काफी मजबूत थी। लेकिन 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कूना को अलविदा कहकर यूरो को अपना लिया। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि टूरिस्ट को यहां किसी भी तरह की परेशानी न हो। क्रोएशिया में पहुंचने की बात करें तो आप बाय फ्लाइट यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया में पूरे 24 एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, जिनमें से 9 कमर्शियल यूज के लिए हैं, और आपको अपने देश से क्रोएशिया के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। यहां पहुंचने के बाद आप पैदल, टैक्सी, बस या किसी दूसरे व्हीकल से देश की सैर कर सकते हैं। याद रखिएगा, पैदल सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी के लिए ट्राई मत कीजिएगा, वरना पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत सा देश क्रोएशिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्रोएशिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कभी क्रोएशिया गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।